ध्यान से सुन लीजिए, फिर बल्लभ से आकर सेल्फी खिंचाते हुए क्या मत करिएगा। जिनको भी चुनाव लड़ना है, चाहे बल में लड़ना है, संगठन में लड़ना है, या विधायक में लड़ना है, जिला परिषद लड़ना है, मुखिया लड़ना है, आपको खुले मन से मैं आपको बता रहा हूँ, ये निर्णय किया गया है कि जो व्यक्ति भी कम चुनाव लड़ना चाहता है, किसी वर्ग का, उसके पास पैसा है या नहीं है, आपके बाप भी विधायक है या नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन है, और एक कंडीशन पर अभी आपसे चर्चा करते। एक बात इस पर सहमति बनी है कि बिहार में 1 करोड़ लोग मिलकर 2 अक्टूबर को जनसंख्या की नींव रखेंगे। तो जो आदमी नेतृत्व करना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसको कम से कम 5000 नए लोगों को जनसुराज परिवार में जोड़ना होगा। अब आपको काम से पहले वोट देकर बताना है कि क्या आप सहमत हैं कि जिसको भी चुनाव लड़ना है, आपको या कोई दूसरा, उसको कम से कम 5000 सदस्य जरूर जनसुराज में बनाना होगा। पक्ष में है वहाँ बताइए, हाँ बताइए, जोर से बोलिए, पक्ष में है कम से कम होना चाहिए। और उस चीज पर हमें अपनाना होगा कि क्या पढ़ाई को, डिग्री भी एक कंडीशन बनाया है। जरूर राज्य की संपत्ति का हिसाब मांगते हैं, राज्य की संपत्ति का हिसाब मांगते हैं। और ये जो चंद आवाजें हैं, ये दबाए भी जा सकते हैं, ये जो चंद आवाजें हैं दबाए भी जा सकते हैं। यार मेरी मानो चलो बड़ा सलाम मांगते हैं। और कितने साथी ये सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दुनिया जंग का मैदान लगता है, ये दुनिया जंग का मैदान लगता है, पर इश्क में सब आसान लगता है। थैंक यू। माइक की जरूरत नहीं है। आपने अंग्रेजी में बोला है, वी नीड जॉब, लेट्स नीड जॉब। प्रशांत किशोर जवाब दे, अगर आपकी अनुमति हो तो जवाब दे। आपने कहा वी नीड जॉब, बेरोजगारी आज नहीं हुई है। अब आपको ये नौकरी का लॉलीपॉप दिखाकर चकने वाले लोगों के बारे में आंकड़ा देते हैं, उसको समझ लीजिए। पूरे बिहार में 75 साल में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर जितने भी लोग नौकरी में, सरकारी नौकरी में हैं, सबकी संख्या को आप जोड़ दीजिएगा तो वो संख्या होती है 23 लाख। 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में मिला हुआ है। और आपको ये सब बात दिखाया जा रहा है कि हम आएंगे तो बस के बात नहीं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 75 साल में 30 से ज्यादा सरकारों ने मिलकर 23 लाख नौकरी ही दिया है बिहार में। क्या कर बड़े में क्या थी चेक कर लीजिएगा। और लोगों को बताया जा रहा है कि हम साल भर में 10 लाख नौकरी दे देंगे। 98% बिहार के लोग उनको सरकारी नौकरी नहीं है और बहुत हद तक उनको मिलेगी भी नहीं, लेकिन रोजगार जरूर होना चाहिए। उसको समझिए क्यों नहीं है रोजगार। रोजगार इसलिए नहीं है, यहाँ से पलायन इसलिए है कि यहाँ पर रोजगार के जो संभावनाएं हैं उसको करने के लिए जो साधन सुविधा चाहिए, पूंजी पैसा चाहिए, वो आपके पास नहीं है। यहाँ बैठा हुआ जितना युवा है, आपको नौकरी नहीं मिले कोई बात नहीं, अगर आपको खेती करने में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर सरकार की ओर से आपको 5 लाख 10 लाख 2 लाख ऋण मिल जाए, कर्ज मिल जाए सस्ते दर पर, बिना किसी गारंटी के, बिना जमीन गिरवी रखे हुए, तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग वो कुछ न कुछ अपना रोजी रोजगार कर लेंगे। पूरे समझ लीजिए, पूरे दुनिया में लोगों ने रोजगार वैसे ही पाया है। अब आपको वो पूंजी यहाँ क्यों नहीं मिलती है ये समझिए। इतने लोग अभी अंग्रेजी में बोले हैं, बहुत अच्छा लगा। चाहता हूँ मैं कि बिहार का हर मामला अंग्रेजी में बोले। बिहार में एक आपको जानकारी दे रहे हैं, उसको भी याद रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल एक आंकड़ा जारी करता है पूंजी के संबंध में, जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब बैंकों में आपने हमने कितना पैसा जमा किया और बैंकों ने इसके एवज में आपको हमको सबको मिलाकर इतना पैसा वापस रोजी रोजगार के लिए दिया, घर बनाने के लिए दिया, गाड़ी खरीदने के लिए दिया, पढ़ाई करने के लिए दिया। इसको कहते हैं सीजी रेशियो। पूरे देश में सीजी रेशियो है 75% औसत। मतलब अगर सब लोग मिलकर बैंक में 100 रुपया जमा किए तो बैंकों ने 75 रुपया वापस दिया लोन के तौर पर, ताकि वो रोजी रोजगार कर सके। बिहार में 1990 से लेकर अभी तक सीधी रेशियो है 40%। नतीजा क्या हुआ? पिछले वर्ष पूरे बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 4,61,000 करोड़। अगर 75% पैसा आपको हमको समाज को ऋण के तौर पर मिलता काम करने के लिए, रोजगार के लिए, तो बिहार के लोगों को मिलता 2,80,000 करोड़ रुपया। लेकिन मिला कितना? 1,61,000। 1,61,000। बाकी का पैसा कहाँ है? बाकी का पैसा इन बैंकों ने बिहार से उन राज्यों में भेज दिया जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार हो रहा है। गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में सीधी रेशियो 90 से ज्यादा। मतलब वहां के लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा किए तो उनको 90 रुपया मिला रोजी रोजगार के लिए। और बिहार के गरीब लोग 100 रुपया जमा किए, आपको 40 रुपया मिला। इसका असर क्या है इसको समझिए। पिछले 30 वर्षों में बिहार के बैंकों में बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए और लोगों से पूछिए। यहाँ के वित्त मंत्री को भी पता नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। 26 लाख करोड़ रुपया आपका हमारा ये पैसा दूसरे राज्यों में भेज दिया। आपको आदमी का पलायन दिखता है। हम आपको बता रहे हैं कि ये पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, जो कल तक बुद्धिमान है वो बाहर जा रहा है, तो जो बच गया लेबर उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, उसको बाहर जाना ही जाना है। अब इसको गवाई भाषा से समझिए। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता, आपके पास 20,000 रुपया है, आप चाहते हैं कि एक सैलून लगाकर हम एक अपना रोजी रोजगार शुरू करें। आप सैलून खोलने गए तो लोगों ने बताया इसमें 1 लाख रुपया लगेगा, दूसरे राज्य में 80,000 70,000 रुपया आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, 20,000 रुपया आप जमा कीजिएगा, सैलून खोल लीजिएगा। लेकिन बिहार में लोन नहीं मिलेगा तो 20,000 रुपया में क्या करेगा, 5,000 रुपया किसी दलाल को देगा, 2,000 रुपया में ट्रेन का टिकट खरीदेगा, बस का टिकट खरीदेगा और जाकर बॉम्बे में किसी सैलून में मजदूरी करेगा। ये पूंजी का प्रभाव है मेरे भाई। अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में ये मुसल्लापुर और चौधरी टोला और सुल्तानगंज में लोग जैसे रह रहे हैं वैसे रहकर वो कॉम्पिटिशन का तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन हमसे आपसे वो लोग बहुत आगे हैं। क्यों आगे हैं? इसलिए नहीं कि 100 रेलवे के नौकरी के लिए 10 लाख लोग 5-5 बरस अपना घर से पैसा खर्चा करके खेत बेचते हैं। 10 लाख लोगों ने नौकरी दिया, परीक्षा दिया, उसमें तो 100 आदमी को तो मिलेगा, 9,90,000 आदमी को तो बेरोजगार रहा, और वो 5 बरस यहाँ कोचिंग में रहता है, लॉज में रहता है। अगर यहाँ 10,000 लोग बैठे हैं, सब दरवाजा बंद कर दिया जाए, एक दरवाजा खाली खुलेगा तो कितना आदमी निकलेगा, आधा आदमी को दबा के मर जाएगा। और उस दरवाजे में भी यहाँ कोचिंग वाला अब पेपर लीक करने वाला, इन्होंने भी कब्जा कर लिया, उस दरवाजे में भी वही निकल रहा है जो पेपर लीक का पैसा दे रहा है। पूछा है हमसे कि भैया पेपर लीक पर क्यों नहीं बोलते, नहीं बोलते, आपके सामने बोल रहे नहीं बोले, हमको राहुल गांधी पूछते हैं, हम खूब चौधरी बोला है, पत्थर की मस्जिद के लॉज में 2 बरस रहे, जानते हैं टिफिन का दाल रोटी खाए हैं, समोसा खाने के लिए, 2 कप चाय पीने के लिए सुबह शाम रोड के किनारे खड़े हैं, 2 बरस 3 बरस। हम जानते हैं आपका कष्ट। ये जो नेता खड़ा होकर कह रहा है कि पेपर लीक हो गया और आपको लग रहा है यही मेरा न्याय होना है, यही हमारा भाग्य सुधार है। आप हमको बताइए, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ अभी कुछ दिन पहले, 5 बरस। सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस। अभी भाजपा वाले आए हैं, इन्होंने एनडीए बनाया, अब पता चला 4 सेंटर से सब टॉपर आया, बिहार का उसमें कोई सेंटर नहीं है। कैसे रोजगार मिलेगा आप बताइए। कुछ दिन पहले, साल भर पहले यहाँ आप बता रहे हैं कि भैया पेपर लीक हुआ है तो बोलिए, हम कह रहे हैं कि आप हमको वो परीक्षा बताइए जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, उसी पर बोलेंगे। शायद वहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा। अब पिछली बार आप पेपर लीक हुआ, उसमें जो मुख्य आरोपी है उनका फोटो सबसे पहले छपा उस समय के शिक्षा मंत्री के साथ, और आप कह रहे कैसे सुधरेगा। अभी वोट हुआ था 2 महीना पहले, तो आप यहाँ बच्चे दूसरे लोग, हाँ सब लोग उसी नेता को विकल्प के अभाव में जाकर फिर जाकर उसी का बटन दबाएंगे। दबाएंगे नहीं दबाएंगे, दबाएंगे नहीं दबाएंगे, इसका गलती है खुद का। अरे आप लोग चोर को ही मजदूरी का चाबी दे दीजिए तो लूटेगा नहीं, तो वहाँ पर अगरबत्ती देखा जाएगा दिखा के लूटेगा। और आप अरे ऑप्शन चाहिए तो वही में बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, ऑप्शन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप नेतृत्व का लम्हा जो लम्हा खेल है, इसको कभी जीवन में कोई परीक्षा नहीं देना था। उसको आप बना दीजिएगा नेता, आप फिर सोचिएगा कि हमको बड़ा रोजगार काहे नहीं मिलेगा, कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे रोजगार मिलेगा। रोजगार तब मिलेगा जब रोजगार के लिए वोट दोगे, वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए, वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, वोट दीजिएगा नीतीश और मोदी को जिताने के लिए, वोट दीजिएगा बुलेट ट्रेन का वीडियो देखकर। तो विकास बुलेट ट्रेन गुजरात में चलेगा कि बिहार में चलेगा? गुजरात में। आइए ये रोजगार का बात की भाई साहब, बहुत अच्छा। सुनिए अंतिम बात, नीतीश कुमार अभी सब लोग हम लोग जानते हैं, दिल्ली में सरकार बिहार के सांसदों के सहयोग से चल रही है। चलिए ना भाई जी जी, मोदी जी के बगल में दूगो बड़का नेता कौन बैठा है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। एक बैठे चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बैठे नीतीश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों ने मीडिया में चलाया इस बार तो कमान नीतीश कुमार के हाथ में है। तो नीतीश कुमार क्या मांगे? विशेष राज्य नीतीश, अरे सुन तो, नीतीश कुमार मांगे हमको कौन कौन मंत्रालय चाहिए। नीतीश कुमार मांगे कि अभी 18-19 वर्ष से खून चूसने से मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और हमको मुख्यमंत्री बनाओ। लेकिन नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि बिहार में 30 को चीनी मिल बंद है, इसको चालू करोगे समर्थन देंगे। पूरी ताकत से यहाँ से लेकर दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए। बिहार के बच्चों में कितना दम है। जय बिहार, जय बिहार। आज तक आपने बिहारियों को गाना सुनते सुना। बाहर हम लोग जाते हैं तो कहते हैं झारखंड के हैं, यूपी के हैं। बिहारी कहने में मानने में सब आने लगा। इसीलिए गांव-गांव घर-घर ये नारा बुलंद करवाया जा रहा है। एक बार सम्मान से कहिए जय बिहार। आप सबका यहाँ इस सभागृह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 28 तारीख को आज से 7 दिन पहले इसी सभागृह में संगठन के जिला और प्रखंड के पदाधिकारियों की बैठक हुई। उसमें हम लोगों ने घोषणा की है कि जब 2 अक्टूबर को दल बनेगा कि नहीं बनेगा आपसे भी पूछना है। कुछ भी नहीं किए। 1 घंटा आप शांति से बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं? 2 घंटा समय सर। पहले समझिए जानसूरज, लोगों को 2 बड़ी से उठाइए नहीं। कोई कह रहा है आंदोलन है, कोई कह रहा है दल है, कोई कह रहा है जनजागरण अभियान है। हम आपको बता रहे हैं जनसुराज क्या है। जनसुराज बिहार के युवाओं की जीत है। अभी गाना नहीं बनाना, ये बिहार के युवाओं की जीत है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं में न सुधर पाने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जीत है। आप बताइए क्या है कि नहीं है? जनसुराज बिहार के युवाओं का जिद है कि हम लोग इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। जनसुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है। अगले 10 बरस में याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अगले 10 बरस में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर ही नाम लिया है। इसको चाहिए भाई, हाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ जनसुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जनसुराज एक व्यवस्था भी है, वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का अच्छा अगर आप समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं कर रहा है, जाति का चिंता नहीं कर रहा है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं कर रहा है। वो चिंता जनसुराज को अपने भाई, अपने बेटे के साथ जोड़कर और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है कि नहीं है। जनसुराज जिद है युवाओं का, जनसुराज हमारा संकल्प है, जनसुराज एक नई व्यवस्था है, लेकिन सबसे बढ़कर जनसुराज हम में बैठा हुआ हर आदमी और हमारे घरों में रहने वाले लोग, हम लोगों का सपना है कि बिहार में अपने जीवन काल में, याद रखिए ये जनसुराज का सपना है, अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा भी दिन देखना चाहते हैं जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब बिहार में विकास होना चाहिए। एक बार अपने अपने सीट पर खड़ा होइए। संकल्प लेकर जाइए, संकल्प लेकर जाइए। ये आंख की पीढ़ी है बिहार की, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की जो पढ़ाई और रोजगार के लिए मजबूरी में अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर गया है। इस पीढ़ी के बाद कोई भी बिहार का लड़का, कोई भी बच्चा मजबूरी में बिहार छोड़कर बाहर नहीं करने के लिए नहीं जाएगा। जय बिहार, बिहार के बच्चे मजबूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, मजबूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आप बड़े होइए और भरोसा रखिए, पूरे देश का राजनीति का निबिल घुमाकर बिहार प्रयोग करते हैं। प्रशांत किशोर जिंदाबाद। पहले आपको पिछले मीटिंग में जो निर्णय हुआ, निर्णय नहीं पाए लोगों ने कहा है, उस पर आपकी सहमति चाहते, आप सभी वोट मांगेंगे। लोगों ने कहा, मैंने कहा कि पूरा बिहार पैदल चल लेंगे, तब हम दल बनाएंगे। अब हम करीब करीब 60% बिहार पैदल चल चुके। लोगों से हम लोगों ने पूछा कि क्या पर्व भी मनाया जाना चाहिए या पूरी पदयात्रा खत्म होने के बाद दल बनना चाहिए। दो विकल्प है। पहला 2 अक्टूबर को दल बना दिया जाए। दूसरा विकल्प है अगले साल पदयात्रा मार्च में जब खत्म होगी तब दल बनाया जाए। 2 अक्टूबर को लोग चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को आप सब मिलकर दल बनाएं और जरा हाथ उठाकर 2 अक्टूबर की मांग। ठीक है। दूसरा निर्णय लिया गया है कि जनसुराज का नेता जो हमने कहा है, जनसुराज का नेता कोई प्रशांत किशोर नहीं होंगे। प्रशांत किशोर नहीं होंगे। नेता कौन होगा? नेता बिहार के गांव गांव को जो दही के तरह मत के जैसे मक्खन निकाला जाता है वैसे ही पदयात्रा से पूरे बिहार को मत के जिन लोगों को ढूंढ कर निकाला गया है वो आपके पद से इस दल का नया नेता चुना जाएगा। आप चुनने के लिए अपना नेता तैयार है कि नहीं है? तैयार है। नेता का चुनाव करना। तीसरा निर्णय लिया गया कि दलों में समाज के हर वर्ग को उसकी भागीदारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई दलित है, इसलिए नहीं कि कोई पिछड़ा है। ये तो सुनते सुनते हम लोग पागल हो गए। पिछड़ा 30 मरीज जात के आधार पर नहीं, काबिलियत के हिसाब से। लेकिन जनसुराज का मंत्र है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। तो अगर नियत साफ है तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि समाज में जिसकी कितनी संख्या है उसके हिसाब से जन चुनाव में उसको भागीदारी मिले, उसको नेतृत्व करने का अवसर मिले। फिर लड़ाई शुरू। ठीक है, सबको मिलेगा, लेकिन पहले मौका किसको मिलेगा? पहले मौका किसको मिलेगा? सब पर आप पहले हमको मिलेगा। क्रिकेट खेलते हैं सोचता है आदमी पहले जाते मजबूत करना कहीं होगा नहीं होगा। इसका फॉर्मूला जनसुराज ने दिया है। आप युवा साथी हैं, इसको समझ लीजिए। घर में अगर आप घर के मुखिया तो आपके घर में जो सबसे कमजोर है, जो सबसे आपका कमजोर बच्चा है, आप उसकी चिंता करते हैं। तो तय किया गया कि जनसुराज की अगुवाई समाज में सबसे कमजोर लोग हैं, जो शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सबसे पीछे हैं, सबसे पहले उनको अवसर दिया जाए और सबको मिलना है। लेकिन सबसे पहले इसमें अवसर उनको मिलेगा जो सबसे गरीब, पिछड़े और वंचित हैं। उसके बाद हर साल उनके बाद के वर्ग के लोगों को मौका मिलेगा। तीसरी बात जो आपके विषय जो आपके इंटरेस्ट का है, लड़के पूछते हैं भैया युवाओं के लिए इसमें क्या है? हम लोग बड़ा मेहनत करते हैं, सब लोग वाला हमको झोला खिलाता है, हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं। तो अभी हम आपको इस खुले मन से आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, अगर आपकी क्षमता है, अगर आपकी क्षमता है तो युवा का अध्यक्ष नहीं, जिला का अध्यक्ष नहीं, आप पार्टी के अध्यक्ष के लिए सीधे चुनाव अपने हाथ में डाली है। के सुनने से पहले ही जनता का शोषण आ रहा था। कैसे आप कैसे जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं ध्यान से सुन लीजिए, फिर कल हमसे आकर सेल्फी खिंचाते हुए काम मत करिएगा बड़ा काम करना। जिनको भी चुनाव लड़ना है, चाहे दल में लड़ना है, संगठन में लड़ना है, या विधायकी में लड़ना है, जिला परिषद लड़ना है, मुखिया लड़ना है, आपको खुले मन से मैं आपको बता रहा हूँ, ये तय किया गया है कि जो व्यक्ति भी कम चुनाव लड़ना चाहता है, किसी वर्ग का है, उसके पास पैसा है या नहीं है, आपके बाबू जी विधायक हैं या नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन है, और एक कंडीशन पर अभी आपसे चर्चा करके वोट लेना है, क्योंकि पिछले बैठक पर उसमें सहमति नहीं है। एक बात इस पर सहमति बनी है कि बिहार में 1 करोड़ लोग मिलकर 2 अक्टूबर को जनसुराज की नींव रखेंगे। तो जो आदमी भी उस दल में कुछ नेतृत्व करना चाहता है, जगह पाना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको कम से कम 5000 नए लोगों को जनसुराज परिवार में जोड़ना होगा। अब आपको पानी लगाने से पहले वोट देकर बताना है कि क्या आप सहमत हैं कि जिसको भी चुनाव लड़ना है, आपको या फिर दूसरा बात, उसको कम से कम 5000 सदस्य जरूर जनसुराज में बनाना होगा। विपक्ष में है वहाँ उठाइए, हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, पक्ष में है कि नहीं, कम से कम होना चाहिए। और उस पर अभी हटाना होगा कि क्या पढ़ाई को, डिग्री को भी एक कंडीशन बनाया है। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ ये से, फिर लोग कहा नहीं भैया बारहवीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जनसुराज में पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई और डिग्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए। बिल्कुल। भाई जब हम सभा कराते हैं, लोग कहते हैं भैया होना ही चाहिए। आज सभा खत्म होता है कहता है भैया कम कर दीजिए, ज्यादा अच्छा जाए। होना चाहिए। होना चाहिए सर। अब आपने कहा हमें पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से ये नेतृत्व के काम नहीं करते। हम 10वां बोले हैं, 9वां नहीं बोले, 9वां नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? 10वां बोले हैं, 9वां बोले हैं। हम लोग 10वां फैलाने के नेतृत्व में बिहार सुधारने के लिए नहीं तैयार। एक से एक पढ़ा लिखा, बताइए ज्ञान की भूमि बिहार, अगर 10वां फैल है तो हम बनेंगे इसका बेटा। इसके बाद हमारा बेटा बनना चाहिए कि नहीं बनना? नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए भाई, नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ना तो हम लोग क्या रखें, 10वां रखें, 9वां रखें कि 12वीं रखें? कम से कम ग्रेजुएशन, कम से कम 12 पास, कम से कम ग्रेजुएशन। उनको नेता विपक्ष लाना दिया, आपको तो विपक्ष में नहीं ले जाना, आपको सरकार में बनानी है। 25 में बनाना है कि 29 में? कुछ लोग कह रहा है 1.5 वर्ष पहले हम कह रहा है, अभी पैदल चल रहे हैं, देखिए क्या होता है। फिर कहा इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो कुछ होगा जरूर। बात तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन बड़ा समय लगेगा। फिर थोड़े दिन और चले तो कहता है भैया लग रहा है धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गया है, 2-4 सीट कई लोगों आ सकता है, इसी से गठबंधन कर लीजिए तो भैया बात आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, याद रखिए जनसुराज कितना सीट लगेगा, 243 नहीं, 243 सीट लगे। 243 ऐसा है। हम उन युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में या तो हम लोग फर्श पर बैठेंगे इसको किसको बीच में लटकना है भाई। ये नीतीश कुमार हम लोग को हिला के पागल कर दिया। हम तो ये भूल जाते हैं कि फर्श पर जाना है कि फर्श पर बिहार के लड़कों को अंश पर जाना है तो 243 ही करना। और पढ़ाई के क्राइटेरिया अब बनना नहीं है, वोट देना। देखिए इस राजनीति में बैठे हुए कई लोग अगले साल, ज्यादा आगे नहीं, अगले साल आपको लिख कर देता नहीं होगा पकड़िएगा। इस सभागृह में बैठे हुए लोग मन सम्मिलित हैं, कितने लोग अगली साल सदन में बैठे बैठेंगे भाई। प्रशांत किशोर का भारी आलोचक है जो हमको रोक कर जाता है, वो भी बैठे कहता है इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आया। आपको भरोसा है कि नहीं है? अगर किसी को चुनाव लड़ाने आता है तो प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ाने आता है। एक काम मेरा आप कीजिए, जो नेता उछल उछल के अभी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उसका नाम नोट करके हमको भेजिए। 243 उसका सूची पहला नंबर 1 पर पाने बेचैनी है सब होना चाहिए कि नहीं। अब आज से जो नेता जिसको खुला चुनौती दे दीजिए, जिसको सुन लीजिए क्या कहना है तो सुन लो भाई। 50 आदमी सामने आया है, यहाँ पर तो टोटल 1200-1500 लोग, वो भी बताते हैं कौन 1200। तो पहली चुनौती दे दीजिए कि जो सामने से चाहे वो मीडिया में आकर बता दे कि हम जब रात लड़ने को तैयार हैं, उसी को पहले निकाला है। देखिए लगेगा होना चाहिए। तैयार है कि नहीं? हमारा गला फंसा हुआ है, आप इतना बोल रहे हैं, युवा है सर। राजनीति में युवा सब युवे है, 54 साल का भी युवा है, राहुल गांधी 55 वर्ष के राहुल गांधी भी युवा है, 47 वर्ष के प्रशांत किशोर युवा है। युवा कहा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, युवा आप हैं। तो जो युवा है ताकत से बताइए कि जो जनता के राजनीति के बीच में खड़ा होगा उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। रोज बोलिए बहुत ही स्वीकार कर लेंगे। एक ऐसे ही युवा साहब का परिचय कराते हैं, इनको लोग कहता है यह साहब का सिंघम है, सिंघम। जिस बिहार गाँव गाँव में लोग आईएएस आईपीएस बनने के लिए जीवन खपा रहे हैं, इस लड़के ने 20 बरस नौकरी की है, 20 बरस नौकरी बाकी है। यहाँ का लोग बच्चा छोड़ने को नहीं तैयार। आईपीएस की नौकरी छोड़कर ये आप यहाँ आया है इसलिए कि बिहार में सुधार हो रहा है। एक बार जो रसदानी से स्वागत कीजिए और इनकी बात सुनिए। 5 मिनट में आनंद मिश्रा का अनुरोध करूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद।